लाल सेना को पाने चखे ही देशर लाल को फेराई आण राकेश्वर को पाई सारा देश हला एक देशव्यापी गुंजिला भारत माता की जय सह ब्रिंग द हीरोज रो नारा कोबरा कमांडो को फेराई आणवा पाई ये हेउची देशर जुनून काश्मीर रु कन्याकुमारी सबुठी माओ विरोधी निया जोर धरिबारे लागिछि लाल सेना को पाने चखेई देशर लाल को फेराई आण देशव्यापी नक्सल को द्वारा अपहृत कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह मानहस को फेराई आणवा पाई दाबी हेउछि एपटे छत्तीसगढ़ माओवादी माने रिलीज करिछन्ति अपहरण होइतिबा जवान को फोटो गोटी खोला जगह बसिथिबार राकेश्वर को एही फोटो एबे माओवादी तरफ रु जारी होइछि फोटो सहित माओवादी माने राकेश्वर को मुक्त करने पर रखिंट किसी सर्त सुरक्षित फेरवा लगी मध्यस्थी तालिका पठाइवाक सन्देश माओवादी माने सेपटे 210 कोबरा बाटालीयन जवान राकेश्वर सिंह मनहस सुरक्षित थिबा माओ संगठन कहता बेले एवं राकेश्वर झील मो बापा छाड़ दियो बोली आकुल नवेदन कर जहार वीडियो गत दुई दिन हम सोशल मीडिया रे वायरल होनेपटे स्वामी को छाड़देवाई राकेश्वर पत्नी नवेदन करपरिकी अभिनंदन को जेपरी पाकिस्तान रु फेराई आनी मो स्वामी को फेराई आण बोली प्रधानमंत्री मोदी निकट में नवेदन कर सैटरडे से ये डिमांड कर रही हूँ कि उनको जल्द से जल्द छुड़ाया जाए वो जहाँ भी हैं उनको मतलब हम तो कुछ नहीं कर सकते हम एक मिडिल क्लास फैमिली के हैं हम मतलब हम क्या कर सकते हैं हम कोई मिनिस्टर लेवल के नहीं हैं कोई हमारे पास कोई सोर्स नहीं है थ्रू मीडिया से हम जो भी बात कर रहे हैं यही बोल रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उनको रिहा कराए सरकार कराए या स्टेट गवर्नमेंट कराए चाहे डिपार्टमेंट कराए मतलब कोई तो कोई एक्शन जल्दी से जल्दी जो भी एक्शन ले ना सरकार क्यों नहीं ले रही मतलब अगर जवान एक दिन छुट्टी से लेट होता है तो उसको पूरी वो कार्रवाई करते हैं अगर जवान नक्सलियों की कस्टडी में सैटरडे से है तो वो एक्शन क्यों नहीं ले रही अभी उनकी कोई जवान की कोई भी कर रही है उनको अपने जवान की अब हम ये चाह रहे हैं कि सरकार से यही अपील है कि अब ना टाइम ना वेस्ट करें आगे ही 5 दिन वेस्ट हो चुके हैं ऐसी कोई बात नहीं है वो हमारे देश में ही है ये नहीं है कि आउट ऑफ स्टेट में आउट ऑफ कंट्री में है या कुछ है जब अभिनंदन को पाकिस्तान से वापस दूसरे दिन वापस ले आए थे तो ये तो हमारे इंडिया में ही है इनको हम यही सरकार से यही अपील है कि अब जल्द से जल्द उसको वापस ले आए हम यही डिमांड करते हैं कि हमारा बेटा जल्द से जल्द वापस आना चाहिए और जो उनके बयान वो हैं सरकार की जो उनकी जो रखी डिमांड रखी है उन्होंने वो सरकार पूरा करेगी उनके और हम यही चाहते हैं उनको जल्द से जल्द वापस किया जाए हमको तभी भरोसा होगा जब हमारा बेटा घर आएगा तो सरकार कुछ कर रही है सेपटे छत्तीसगढ़ बीजापुर नक्सल आक्रमण पर जड़े जवान निज साथी वीरोत्तर गाथा गणमाध्यम को जैसे हमारी पार्टी थोड़ी सी आगे आई तो नक्सली हमारे पीछे 8 किलोमीटर तक आए हैं और वो 8 किलोमीटर तक आने के बाद जब सीआरपी को हमारे को पता चल गया ना इस जीआरपी सीआरपी है फिर हमने उनको फ़ोन किया वहाँ पर फ़ोन लग रहा था हमने फ़ोन किया सेट एक सेट से कम्युनिकेशन करवाया फिर हमारा डीसी सर उन्होंने बोला कि ऊपर पहाड़ी पे बैठे रहोगे क्या नीचे नहीं आओगे फिर उन लोगों ने नीचे से आके दाहिनी तरफ से पूरा घेरा डाला है फिर वो नक्सलियों के ऊपर जब इन्होंने जूबी जल मारे ना सीआरपी ने तब वो नक्सल पार्टी वापस हटी है पार्टी जो भी वहाँ पर फायर हुआ सबसे पहला जो वहाँ से फायर आया तो फायर आरबीजी राउंड का फायर आया तो इतना तगड़ा धमाका होता आरबीजी राउंड का उसमें आदमी दहल जाता है कि क्या हो गया और जैसे वो फायर आया तो उसके बाद फिर एसटीएफ और डीआरजी वालों ने फायर खोल दिया जूबीजीएल सीजीएल फिर वहाँ पे इतना चला हमारे 2 IC सर थे इसमें संदीप द्विवेदी सर वो उसमें जख्मी हुए हैं उनके हाथ पे गोली लगी और एक रान पे गोली लगी और हमारे डीसी सर हैं मुनीश सर उनके हेड पे बैक साइड में उनके जूबीजीएल का स्प्लिंटर लगा एक हमारा इंस्पेक्टर साहब है वो बेचारा बाद में शहीद हो गया वो तो ग्राउंड के अंदर उसको हिट हुआ बुलेट हिट हुआ सीधे डायरेक्ट चेस्ट पे सामने से नक्सल को खदेड़ते हुए
पार्टी को फायर एंड मूव करवा रहे थे। निखोज डीआरजी जवान राकेश्वर सिंह मनहास दुर्दांत माओ कमांडर हिडम्मा निकटरे बंदी हुई रही निज पाखरे जवान रही सांबादिकंकु फोन रे जणाइछंती नक्सल आ उचित समय रे छाड़ी दियाजिबो बोली कहिछंती। अनेपटे गृहमंत्री अमित शाह कहिछंती वीर जवान को बलिदान व्यर्थ जीवनी आमे मिलित भावे लड़िबू और नक्सल को निपात करिबू। उनके सर्वोच्च बलिदान को ये देश कभी भूला नहीं सकता। जो लोग गए हैं इनके परिवारों के प्रति भी पूरे देश की सहानुभूति है, पूरा देश चट्टान की तरह इनके साथ खड़ा है। मैं आप लोगों को आज इतना ही कह सकता हूं कि आपके कुछ साथी आपने जरूर गवाए हैं, मगर आप भारत सरकार पर, छत्तीसगढ़ सरकार पर भरोसा रखना, आपके साथियों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जिस उद्देश्य के लिए इन्होंने बलिदान दिया है वो उद्देश्य निश्चित रूप से पूरा होगा और विजय हमारी ब्यूरो इनपुट सह मलकानगिरी विक्रम स्वाई रिपोर्ट अर्गस न्यूज।